आज का हमारा टॉपिक है हर्मिटेनियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिटेनियन मैट्रिक्स क्या होती है। हर्मिटेनियन मैट्रिक्स को अगर हम बताना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर ट्रांस कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, बी है वो मैट्रिक्स ए, और अगर हम उसे ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं तो मैं वही मैट्रिक्स द्वारा निगेन हो जाती है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम हर्मिटेनियन मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास मैट्रिक्स होती है, नोट डाउन, वन टू माइनस के थ्री आई, फोर माइनस फाइव आई, टू प्लस थ्री आई थ्री एंड फोर फाइव माइनस सिक्स आई टू फोर प्लस माइनस फाइव आई इक्वल्स टू फाइव माइनस सिक्स आई इक्वल टू सेवन। इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्मिटेनियन मैट्रिक्स दैट इज ऑफ 3 बाई 3 ऑर्डर। नोट डाउन, नाउ लेट अस सी either it is an hermitian matrix or not, either it is satisfying the condition or not। तो पहले हम इस matrix का conjugate निकालते हैं। conjugate of matrix जो होगा वो हो जाएगा इसका 1 2 minus 3 i 4 minus 5 i। और थोड़ा सा कैपिटल किस लिखते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है कंजुगेट में, प्लस यहाँ 2 minus 3 i 3 5 plus 6 i 4 minus 5 i 5 minus 6 i and 7। and transpose of it हमने जैसे ट्रांसपोज किया तो हमने क्या पाया। तो हमें मिलता है 2 plus 3 i 4 minus 5 i 2 minus 3 i 3 5 plus 6 i 4 minus 5 i 5 minus 6 i 7। ये मैट्रिक्स मिलती है हमें।
विच इज सिमिलर टू आवर ओल्ड मैट्रिक्स वी हैव, हेंस इट इज गेट प्रूव्ड इट इज अ टाइप ऑफ हर्मिटेनियन मैट्रिक्स, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। वहीं इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिटेनियन मैट्रिक्स जो होती है हर्मिटेनियन मैट्रिक्स, उसकी कंडीशन में जो हमें मिलता है वो ये होता है ए कंजुगेट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, इट्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। मीन टू से यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलता है सारी वैल्यू और यहाँ पर हमें नेगेटिव के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वी हैव इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स, इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। नाउ इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, अगर हम ए मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर इन अ मैट्रिक्स, और उसका स्क्वायर करने के बाद वही मैट्रिक्स ऑप्टेन हो जाए, इन दैट कंडीशन वी सेड द ग्रीन मैट्रिक्स इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देखते हैं, लेट अस सी द ग्रीन मैट्रिक्स वी हैव दैट। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसे हमें चेक करना है इट इट इज इंडिपेंडेंट और नॉट। सो वी हैव टू माइनस टू फोर माइनस वन थ्री फोर वन माइनस टू माइनस थ्री एंड टू माइनस टू फोर माइनस वन थ्री फोर वन माइनस टू माइनस थ्री। नाउ सॉल्विंग इट वी हैव टू प्लस टू प्लस फोर टू ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन वी फाइंड इस ऑन स्क्वायरिंग एंड मल्टीप्लाइंग वी गेट द सेम वैल्यू एच ए। सो इट द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स, नोट इट डाउन।